को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी बोर होने को नहीं मिलेगा। 10,000 सब्सक्राइबर तो करो यार, सब लोग सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, ताकि आपके मेरे को पैसे आने शुरू हो। और ये जो वीडियोज़ हैं ये दाद में आखिर तक कैप्चर रहने वाली चीज़ें हैं, इसको जब भी चाहेंगे आप लोग, मेरे स्टार बनने के बाद भी जब भी आप लोग चाहेंगे आप लोग इसको बाहर निकाल कर देख लेंगे। और व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े मज़े की बातें, इंजॉयमेंट, फन, सैड न्यूज़, बैड न्यूज़। लोगों का तो वक़्त आता है, लेकिन मेरा दौर आएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है सेहत भी लोग। तो भाई जान कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज के व्लॉग का जो टाइटल है, मेन थंबनेल, आपको वो देख के पता लग ही गया होगा कि ये व्लॉग आज किस टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि अगर एक साल में टोटल 12 माह होते हैं ना, तो उसमें से कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा भी जितना टाइम मैंने स्पेंड किया ना, किया तो मैंने पूरा साल है, लेकिन उसमें से क्या कुछ मेरे लिए अच्छे पल आए हैं, क्या मेरे लिए कुछ बुरे पल आए हैं, और क्या मैंने अपने साल के अंदर अचीव किया है, वो सारे का सारा आपको इस व्लॉग के अंदर पता लगेगा। और व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े मज़े की बातें, इंजॉयमेंट, फन, सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़, और जितनी भी हो सकी आप लोगों को जो भी मेरे साल के अंदर हुआ वो सारा आप लोगों को इसके अंदर मैं बताऊँगा। तो इसको देखने से पहले आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है कि भाईजान आप लोगों ने सबसे पहले कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर, ताकि आप लोगों को आने वाला 2024 का साल इंशाल्लाह मेरी लाइफ का सबसे आगे लाइफ चेंजिंग जो है वो व्लॉग्स साल आएंगे, आगे जितने भी साल हैं इंशाल्लाह। मेरी भी दुआ है, आप लोगों के लिए भी दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, और सब की जो जो भी नेक दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह उनको पूरा फरमाए। जनवरी उसके अंदर चलते हैं जी। वो मेरे लिए तकरीबन कहने के वो लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें मेरी भी खुशी थी, मेरे बहन भाइयों की, और सबसे बड़ी बात मेरे माँ बाप की खुशी थी कि मेरी जो सिस्टर थी वो यूके यानी कि इंग्लैंड गई थी अपनी हायर एजुकेशन के लिए, और ये हमारे लिए वो बेस्ट मोमेंट था। तो ये था जी मेरे साल का 2023 के जनवरी का फर्स्ट मंथ, जो कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खुशियों से मनाया था। और अब नेक्स्ट टॉपिक की जानब चलते हैं, जो कि है फेबररी का। फेबररी के अंदर यार आपके भाई ने कुछ ज़्यादा खास किया तो नहीं, बस यार कुछ शॉप्स थी, अपना शॉप का काम किया मैंने, वहाँ पे ड्यूटी देनी होती थी, और साथ में सिस्टर बाहर गई हुई थी, उसको सारे मिस करते रहते थे, कुछ आधा टाइम वहाँ पे गुजर जाता था, ऊपर से सर्दियाँ थी, ज़्यादा घर से बाहर निकलना नहीं होता था, तो सुबह सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर आगे से सो जा दुकान पर जाते थे, वापस आते थे जोहर का टाइम, असर का, मगरब का, इशा का। तो इस मंथ के अंदर आपके भाई ने ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं, नॉर्मल मंथ था यार ये, मतलब कि इतना ज़्यादा इसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी जो आपको मैं इसके लिए बताऊं आप लोगों को। तो इस मंथ को मारे गोली और हैप्पी मोमेंट्स के बारे में चलते हैं, क्योंकि यार सैड के बारे में मैं बात करना यार अच्छा नहीं समझता, तो इसको पाओ मिट्टी। तो फरवरी को छोड़ें और चलते हैं मार्च की तरफ। फरवरी से हम आ चुके हैं मार्च की जानी, और मार्च का तो आप लोगों को पता ही है, मार्च में थी मेरे बाबा की बर्थडे, वो हमने सेलिब्रेट नहीं की थी। वो सेलिब्रेट हम लोगों ने इसलिए नहीं की थी क्योंकि सेलिब्रेट करने का टाइम था वो था गुजर गया, तो पता नहीं मेरे ख्याल से 29 मार्च की थी। देखें कैसे बेवफा आजकल के बच्चे हैं, अपनी सेलिब्रेट्स करते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं करते। तो पापा आपको वैसे तो सॉरी नहीं कह सका मैं, लेकिन अब आपको लाइव व्लॉग के अंदर आपका बड़ा बेटा सॉरी कह रहा है, तो प्लीज़ माई अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर लें आप। और मैं आपके लिए बहुत, आपकी बर्थडे ना विश करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि सॉरी करता हूँ। तो बस यही था मार्च के अंदर मेरा गुजरा। चलते हैं मार्च से अप्रैल की जानेब, तो लेट्स मूव। मार्च से हम मूव होकर सीधा आते हैं जी, मार्च के आगे आता है जी अप्रैल, और अप्रैल के अंदर आपके भाई ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि यार उसमें कह लें कि नॉर्मल मौसम हो गया था, कुछ क्रिकेट्स वगैरह खेली हम लोगों ने और अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, और उसके बाद साथ में चल रहा था मेरी सबसे फेवरेट लीग जो कि आईपीएल चल रही थी, तो साथ में मेरे ख्याल से रमज़ान भी थे, तो पता नहीं अब अप्रैल में थे या मई में थे,
तो लेकिन ये था कि आईपीएल फिलहाल चल रहा था, तो मैंने आईपीएल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि उसमें मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर फॉफ डुप्लेसी, जो कि टॉप स्कोरर बनते बनते रह गया, क्योंकि अगर उनकी टीम फाइनल में क्वालिफाई कर जाती तो आरसीबी ने इस बार शायद, आई होप्स थी कि वो जीत सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो अपसेट है मेरे लिए, जो 4 साल से मैं जो फील कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि एबी डिविलियर्स क्रिकेट छोड़ चुका था, तो आईपीएल के बीच आरसीबी एबी डिविलियर्स के बगैर फारिग थी। तो अप्रैल से मूव होके हम लोग आ चुके हैं जी मई की जानब, और मई के अंदर थी मेरी ब्रदर की बर्थडे भी थी, और साथ में मेरे ख्याल से मई में ईद भी थी, तो ईद पे भी ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो मेरी आप लोग देख रहे हैं। मई में हम लोगों ने ईद भी इंजॉय की, और थोड़ा सा हम लोगों ने तफरी भी की, ज़रा घूमे फिरे भी, और साथ में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। मेरे ब्रदर की हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, लेकिन शायद उसकी पिक्चर मैं देखता हूँ, अगर कोई मुझे मिल गई तो वो भी मैं साथ में एंटर कर दूँगा अभी लोग के अंदर। लेकिन मई के अंदर सिर्फ ईद थी, रमज़ान गुजरा था, इससे बड़ी हैप्पी वाली हैप्पीनेस वाली बात कोई हो ही नहीं सकती थी कि रमज़ान का महीना गुजरे और आप लोग उदास गुजरे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े रखे थे, और माशाल्लाह नमाज़ें भी सारी पढ़ता था, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यार रोज़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी इबादत है ये, और साल में एक बार ही आता है, 11 मंथ खाते हैं, एक साल एक मंथ हम ना खाएंगे तो हमने मर नहीं जाना। और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर रमज़ान आता है तो प्लीज़ एक भी रोज़ा ना छोड़ा करें, क्योंकि अगर उसके एक रोज़े का हम हदिया भी नहीं दे सकते, इतना बड़ा गुनाह है, और यार प्लीज़ रखा करें। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पता है मुझे ये पता है कि रमज़ान के रोज़े रखने ही चाहिए इंसान को, क्योंकि गुनाहों का कफारा करने का इससे बड़ा महीना कोई नहीं हो सकता। तो ये था मई का स्टोरी का पार्ट, और अब चलते हैं मई से आगे जून की जानी जी। तो मई से आगे हम लोग मूव होके आ चुके हैं जी जून की तरफ, और जून के अंदर कह लें कि कोई बंदा भी इतना इंजॉय नहीं करता, क्योंकि जून के अंदर ज़्यादातर तो गर्मी होती है, ना बंदा क्रिकेट खेल सकता है, मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम क्रिकेट चलती है, साथ में एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, और साथ में शॉप्स होती हैं, और बाकी लोग जो लोग ज़्यादा मतलब के बड़ी ईद की तैयारी की कोशिश करते हैं, वो पहले से कुर्बानी ले लेते हैं, वो उधर मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, वो उनके लिए तो साल में कोई भी दिन है ना, वो नॉर्मल होता ही नहीं है। तो ये मेरे लिए भी कोई नॉर्मल दिन नहीं थे, और मैंने भी बहुत ज़्यादा गर्मी 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 करके हम लोगों ने ये सब महीना गुजार दिया। और ये थोड़ा सा वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, ये बाहर से आ रही है। तो बस यार इसी तरह ये मंथ भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं गया था, बस गर्मी की वजह से घर बैठे रहे, एसी के अंदर सुकून किया, और अल्लाह अल्लाह का नाम लेके नमाज़ें पढ़ के इस मंथ को भी हमने खैरबाद कह दिया, और आगे चलते हैं जी अब जुलाई की तरफ जी। तो हम लोग आ चुके हैं जी जून से सीधा जुलाई की तरफ। तो जुलाई में यार आपके भाई ने कुछ ज़्यादा ख़ास इंजॉय तो नहीं किया, बस ये थी कि आपके भाई की एक अचीवमेंट थी, जो आपके भाई ने जुलाई में 2K सब्सक्राइबर अपने कर लिए थे यूट्यूब की फैमिली के ऊपर। तो इस पार्ट के अंदर, जुलाई के अंदर, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2000 सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से जुलाई में किए थे, कहीं शायद जुलाई या अगस्त में किए थे मैंने, तो बाकी यार जो भी था ना, जब भी था, तो यार ये मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था इसके ऊपर। 10,000 सब्सक्राइबर तो करो यार, सब लोग सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, ताकि आपके भाई को पैसे आने शुरू हो, फिर आपके लिए गेमिंग जो जितने भी हैं मतलब के चैलेंजेस लेके आया करूँ, ताकि आप लोगों को उससे मजा आए, आप लोग कैश जीत सको। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं अकेला हूँ, ट्राईपोड के ऊपर मोबाइल लगा हुआ है, और आप लोगों के लिए इतनी ठंड के बीच लोग हैं व्लॉग बना रहा हूँ, और आप लोग हो के सब्सक्राइब करने के बगैर ही गुजर जाते हैं जी। तो यार जो आगे से जुलाई से आगे हम लोगों ने मूव किया था अगस्त की जानब, अगस्त के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिली थी, क्योंकि हमारे घर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली सू पड़ी थी, और ये मैंने ट्राईपोड के ऊपर ही मोबाइल लगा हुआ है, और उसके ऊपर ही पकड़ के ये पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि नीचे अब वो बिल्ली का बच्चा फिर रहा है, और आए आप लोगों को उसके भी नज़ारे करवाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक, ये है जी, अब ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है, सुबह का मुझे नज़र नहीं आया, और सुबह का मैंने इसके लिए स्पेशल गर्दनों का गोश्त आधा किलो लेके आया हुआ हूँ कि इसको डालूँगा, और अब यार इसको ना वो डालूँगा जी। तो यार अगस्त के अंदर था मेरा ये कि अगस्त के अंदर थी मेरे तकरीबन 8 कज़नों की लाइन से, बिल्कुल स्टेट ऑफ लाइन से डेट ऑफ बर्थ थी, टोटली 2 से शुरू हुए थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक स्टेट ही 7 बर्थडे थी 7। और उसके बाद मेरी मामी जान की बर्थडे थी 20 तारीख को, मतलब कि एक मंथ के अंदर
आठ बर्थडे सेलिब्रेट की हैं उन लोगों ने माशाल्लाह। और मैं नहीं जा सका क्योंकि यार मैं थोड़ा सा बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका था, लेकिन सबको विश मैंने लाजमी किया था। तो यार ये मंथ सारा बर्थडे सेलिब्रेट के अंदर ही गुजर गया, तो इसको दफ़ा मारें, इस मंथ को अगस्त को छोड़ें और चलते हैं जी अब सेप्टेम्बर की जाने। तो अगस्त के बाद आते हैं जी सीधा सेप्टेम्बर की जाने। सेप्टेम्बर में आया हुआ था जी मेरा अपना दुबई से कज़न, और उस भी लोगों की पिक्चर मैं आप लोगों का यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर आप लोगों ने उस भी लोगों को देखना हुआ तो वो भी लोग कह लें कि आप लोगों को उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप लोग जाइएगा जाकर उस भी लोगों को एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि उस मंथ के अंदर हम लोगों ने इतना शुगल किया था, इतना शुगल किया था कि मैं आप लोगों को शायद सेप्टेम्बर के एंड पे तकरीबन वो आया था, तो उसके बाद ज़रा मेरी खुशी अच्छी हुई थी। क्योंकि यार बड़ा ही कमाल का बंदा है, बड़ा ही कमाल का बंदा है। तो यार उसका घर भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नुशाद को मेरे ब्लॉग के अंदर, तो उसका बड़ा भाई है तो आप लोगों को भी पता ही होगा आई होप। तो बाकी आप लोगों को सितंबर को छोड़े लेके चलता हूँ अक्टूबर की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों ने इतना फ़न किया था ना, आप लोगों को उसकी स्टोरी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताता हूँ। सितंबर से चलते हैं सीधा अक्टूबर की जानिब। तो अक्टूबर में तो यार हम लोगों ने इतना फ़न किया था, इसको देखें ये नीचे मस्तियाँ कर रही है। तो अक्टूबर में हम लोगों ने इतना फ़न किया था ना, इतना फ़न किया था हम लोगों ने, इतनी क्रिकेट खेली थी ना, हर संडे के संडे मेरी टीम अलहदा होती थी, बकर भाई की टीम अलहदा होती थी, तो हम लोगों ने इंतहा का फ़न किया था, इतने मैचेस खेले थे। उन सारे मैचेस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अलबत्ता मैंने मेरे ख्याल से वो सीरीज़ ही एक अलहदा बनाई है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग जाइएगा मेरे ब्लॉग्स खोलिएगा तो उसके अंदर ही वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उन वीडियोज़ को ही पड़े हुए हैं। तो इतनी सीरीज वो अलबत्ता वो तकरीबन दो माह रहा था यहाँ पर, तो जाता जाता एंड पे वो दो भी मतलब दो मैच ज़्यादा जीत गया था। हम लोगों ने तकरीबन टोटल 15 मैचेस खेले थे, तो तकरीबन 9 मैच वो जीता था और 7 के मैच हम लोग जीते थे। तो बस यार गर्मी ज़्यादा थी, मेरे प्लेयर थक जाते थे, तो यार जब बंदे ने छोड़ के क्रिकेट खेलनी शुरू की हो तो फिर बंदा नहीं इतना ज़्यादा मतलब बॉडी नहीं इजाज़त देती बंदे को। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट था, मैं जिम भी कर रहा था, तो मेरे लेकिन जो दो टीममेट्स थे वो ज़रा रेगुलर टच में नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने फ़न बहुत किया। दुलाई तो हम लोगों ने अबूबकर भट्ट की, सॉरी भट्ट साहब, और नुशाद भट्ट की बहुत दुलाई की हम लोगों ने, और आपके भाई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस सीरीज़ में, और सबसे अच्छा मेरी टीम से उस्मान ने परफॉर्म किया था, और बकर की टीम से बकर ने अच्छी बॉलिंग की थी, मार भी खाई थी, लेकिन नुशाद भट्ट उस सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द मैच रहा था। तो अब चलते हैं जी अक्टूबर से सीधा नवंबर की जानिब, सितंबर अक्टूबर, हाँ जी अक्टूबर था, और आप डायरेक्ट चलते हैं जी नवंबर की जानिब। तो नवंबर के भी आप लोगों को कुछ किस्से सुनाता हूँ। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी सिर्फ सेकंड लास्ट मंथ के ऊपर, जो के है जी नवंबर का। मेरा कज़न था नुशाद, आप लोग सब लोग तो उसे जानते ही होंगे, तो उसकी थी बर्थडे यार, तो हम लोगों ने उसको बर्थडे अचानक सरप्राइज़ दिया था मैंने और मेरे भाई ने, और हम लोगों ने उसको चंगा चिग के अंदर उसको ना ज़रा वाह ज़रा जलील किया था। वो अभी अपने दोस्तों से ट्रीट लेके आ ही रहा था और आगे से हम लोगों ने उसको दबोच लिया। अगर उसकी आप लोगों ने सारी बर्थडे के व्लॉग्स देखना है तो उसका लिंक भी है, जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप लोग जाइएगा क्लिक कीजिएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। अपन तो वैसे भी वीडियोस खोलेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो आप लोग अगर चाहें तो उस व्लॉग को भी इंजॉय करना चाहिए, फीलिंग्स को इंजॉय करना चाहें तो आप लोग उस व्लॉग को भी जाकर देख सकते हैं। तो बस यार उस मंथ को भी मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि यार एक खुशी आप लोगों को एक दिन या एक मंथ या एक साल में मिल जाए ना, आप लोगों को सारी लाइफ नहीं भूलती। और ये जो वीडियोस हैं ये ताद में आखिर तक कैप्चर रहने वाली चीज़ें हैं, इसको जब भी चाहेंगे आप लोग, मेरे स्टार बनने के बाद भी जब भी आप लोग चाहेंगे आप लोग इसको बाहर निकाल कर देख लेंगे, और इंशाल्लाह ताला मेरा टाइम भी आएगा। लोगों का तो वक्त आता है लेकिन मेरा दौर आएगा, और ये मेरा आप लोगों से इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। तो आप चलते हैं जी नवंबर से मूव होकर डायरेक्ट लास्ट दिसंबर, जो कि आपके भाई का भी सबसे फेवरेट मोमेंट है, मतलब के मंथ है, और जो कि इस टाइम दिसंबर के अंदर ही खड़ा होकर आपके भाई आपके लिए ये साल का लास्ट व्लॉग बना रहा है। तो चलते हैं उस लास्ट दिसंबर की तरफ, तो लेट्स मूव। हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर की तरफ, तो ये आखिरी पार्ट होगा, तो हम लोग इसके अंदर अपनी करेंगे दिल खोल कर बातें हैं, और आज के साल को जो आज का मतलब साल था, मतलब कि इस साल जो था, हम लोगों ने सारे मोमेंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, और इस साल के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे कि मेरा जो सबसे छोटा भतीजा था साइम भट्ट, उसकी बर्थडे थी तो 7 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को आपके भाई की भी बर्थडे थी, 17 दिसंबर को
मेरे कज़न नबील की बर्थडे थी, और सबसे बड़ी बात के मेरा जिसको देखकर मैंने यूट्यूब स्टार्ट की ढकी भाई, उसकी भी इसी साल के अंदर मतलब कि इसी मंथ के अंदर 10 दिसंबर को या आई थिंक 20 दिसंबर को उसकी भी बर्थडे होती है, तो उसकी बर्थडे भी थी, मैंने उसके भी सारे व्लॉग्स देखे हैं। वाकई जिसको कह लें कि एक हर बंदे का एक फ़ैन होता है, मतलब कि एक मतलब कह लें कि स्टार होता है एक, वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टार था जिसको देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, वो था डकी भाई। तो इंशाल्लाह ताला वन डे मैं उससे मिलूँगा और फिर आप लोगों को इस वीडियो के साथ स्विच करके बताऊँगा कि एक दिन मैंने कहा था कि मैं उससे मिलूँगा, तो वो मैं जल्दी मिलूँगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों को भी उस व्लॉग के अंदर लेकर जाऊँगा। तो बस यार ये तो ये जो साल था ना, ये जो मंथ था, पहले तो मंथ पे बात करते हैं कि ये मंथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। इस मंथ में मैं कह लें कि ज़्यादा हुआ तो बोरी हूँ, लेकिन अपनी बर्थडे के बाद भी कह लें कि जब टाइम गुजर गया तो फिर कह लें कि सब ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, तो करते हैं जी इस वीडियो को यहाँ पर एंड, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाथ मेरे देख लें बिल्कुल रेड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी बोर होने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक लाजमी देखिएगा, आप लोगों को इस 12 के 12 पार्ट्स में बहुत ही लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आने वाला 2024 का जो साल है वो आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, और सबकी जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला अगले साल में पूरी करे। और सबसे बड़ी मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इतने सबके हालात ठीक कर दे कि एक एक बार अपने घर की ज़्यारत सबको करवाने की कोशिश कर सके। और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये भी थी कि मेरे इसी दिसंबर के अंदर मेरा कज़न रहमान और नुमान दोनों बहुत दिल के करीब हैं मेरे, वो उमरा करके आए थे, साथ में मेरी मतलब के बड़े मेरे घर के जो बड़े थे ख़ानदान वाले वो भी साथ में गए थे, तो उनको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह उनका उमरा कबूल फरमाए। और नवंबर के अंदर गए थे, वो मैं बताना भूल गया आपको, कि मेरा कज़न था एक ज़ुबैर, तो वो भी उमरा, उसकी पूरी फैमिली मेरे चाचू मतलब के उमरा करने गए थे, तो वो भी सारी फैमिली उमरा कर गई थी। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, खुशी की बात थी कि वो सब लोग उमरा कर गए हैं, और इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं अपने पैसों से अपनी पूरी फैमिली को उमरा करवाऊँगा, इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा लाऊँगा अपने ऊपर के मेरे पास अल्लाह मुझे इतनी इज्जत दे देगा, इतनी दौलत दे देगा कि मैं जो बंदा भी जिसको चाहूँगा उसको उमरा करवाने का मतलब क्या कह के काबिल बन सकूँगा, और उस बंदे को उमरा करवा सकूँगा, जितनों को हो सका मैं उमरा करवा सकूँगा। लोग तो बहुत सा कमाते हैं लेकिन अपने ऊपर भी नहीं लगा सकते, लेकिन मैं हूँ और कैटेगरी का बंदा, मैं जितना कमाऊँगा इंशाल्लाह ताला सारे का सारा आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं जी वीडियो को एंड, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट मतलब कि कौन से मंथ का पार्ट ज़्यादा फ़नी लगा या अच्छा लगा या बुरा लगा, आप लोगों ने सब ने कमेंट के अंदर बताना है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी लिख सकता है। तो क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूं, तो आप लोगों के लिए ये मैं वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे कोई मसला नहीं, आप लोग जो चाहें कमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब नए साल के पहले दिन के अंदर, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि अब यहाँ पे तो नया साल इतना खुशकी से मनाते हैं, ना कोई पटाखे पटूखे ना कुछ और ना कुछ, ये लाहौर कराची भी जाते हैं, लाहौर कराची हम लोग जा नहीं सकते ठीक है, तो बस हम लोग घर ही बैठ के इंशाल्लाह ताला जब कभी हमारी सुनी जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बाहर ही जाकर कहीं हैप्पी न्यू ईयर का मज़ा लेंगे। तो ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला जनवरी के 2024 के पहले दिन, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू बोथ, ओके एंड बाय।